क्यों तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चोक कॉइल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? चोक कॉइल के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा बहुत कहानी समझिए इसकी। हमें चोक कॉइल की जरूरत क्यों पड़ी और इस चोक कॉइल होता क्या है। देखिए बच्चों, जो हमारे पास जो ट्यूब लाइट्स होती हैं या मरकरी ट्यूब्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कम पोटेंशियल पे काम करती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हम लोग ट्यूब लाइट्स लगाते हैं या मरकरी ट्यूब्स जो लगाते हैं, वो क्या करती है, कम पोटेंशियल पे काम करती हैं। पर हमारे घरों में, इंडिया के घरों में क्या आता है, हाई पोटेंशियल आता है, लगभग 220 वोल्ट आता है। हाँ कि ना? तो ये बहुत ही ज्यादा हाई वोल्ट का होता है। और अगर क्या करेंगे, आप अपना जो ट्यूब लाइट लाएंगे और लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो अगर उसमें उसी में हम लोग यूज करते हैं चोक कॉइल का, अगर वो ना यूज करें तो क्या करेगा, वो फट जाएगा, दग जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं चोक कॉइल। तो यहां पर आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा आता है इसी वजह से, क्या आता है, पोटेंशियल आता है, इसी वजह से क्या होता है, वो बेकार हो जाता है, फट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल क्या करेगा, चोक कॉइल क्या करेगा, पोटेंशियल को लो करेगा। और आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल लो कैसे हो पाएगा, वो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या करता है, इन सीरीज क्या करता है, लो होता है। हाँ कि ना? बटेगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप अपना दिमाग लगा रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग रेजिस्टर यूज कर दें, हाँ कि ना, ट्यूब के साथ, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कम पोटेंशियल चला जाएगा। हाँ कि ना? इन सीरीज विद ट्यूब। तो देखिए, समझिए, हम यहां पे दो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, व्हाई वी यूज चोक कॉइल एंड व्हाट इज चोक कॉइल। तो हम लोग समझते हैं। देखिए, चोक कॉइल इज यूज टू रिड्यूस द हाई पोटेंशियल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, बिकॉज इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज सप्लाइड, हाँ कि ना, इन द हाउस होल्ड। ये मैं बता चुका आपको। देखिए, यहां पे एक आपने अभी भी सोचा होगा, टू रिड्यूस द पोटेंशियल वी यूज अ सिंपल मेथड, हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, दैट वी कैन यूज अ प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टेंस, हाँ कि ना, प्योर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ट्यूब, हाँ कि ना। क्या करिए, एक ट्यूब लिए, उसी के आगे क्या करिए, एक प्योर रेजिस्टेंस लगा दे, हाँ कि ना, तब क्या करेगा, जो पोटेंशियल आएगा वो कुछ रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होने के बाद यहां पे आएगा, हाँ कि ना, तो जो रिड्यूस हो जाएगा फिर यहां पे आएगा। बट बच्चों, प्रॉब्लम ये है यहां पे कि क्या करेगा, ये पोटेंशियल तो कम करेगा पर साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावर भी वेस्ट कर देगा। पावर मतलब क्या, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, हाँ कि ना, पर पावर ज्यादा वेस्ट कर दे रहा है। पर तो हमें ऐसा चीज चाहिए जो कि पावर भी ना वेस्ट करे और क्या करे, पोटेंशियल को भी लो कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमने क्या लिखा है, बट देर इज अ प्रॉब्लम इन दिस मैथड दैट इन दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस इन द प्योर रेजिस्टेंस कहिए या रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद कॉइल, टू मच पावर इज वेस्टेड, बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है। अब देखिए, पावर का हमने पढ़ा है P एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, हाँ कि ना, और कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, R बाई जेड। अगर हम लोग प्योर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, हाँ कि ना, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, R R अपॉन R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे क्या होगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। या तो आप इसको समझ सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव के लिए को जो कॉस फाई आएगा वो क्या आएगा, वन आएगा, हमने बताया है प्योर रेजिस्टिव के लिए, आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए, वहां पे देखिए सब बताया मैंने, उसके लिए वन आ जाएगा, हाँ कि ना। तो पावर क्या आ जाएगा, पावर क्या हो रही है, ज्यादा, हाँ कि ना, किसमें, रेजिस्टिव सर्किट में, हाँ कि ना, मतलब अगर हम लोग प्योर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं यहां पर तो क्या हो रही है, पावर ज्यादा वेस्ट हो जा रही है, हाँ कि ना, जिसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया, कहा गया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, भाई साहब आप क्या करिए, एक एलआर सर्किट का यूज करिए, या तो आप कर सकते हैं एलआर सर्किट या प्योर इंडक्टर, क्या करिए, प्योर इंडक्टर यूज करिए। इंडक्टर क्यों कहा मैंने बच्चों, देखिए यहां पे अगर मैंने एलआर सर्किट कहा है तो इसका मतलब क्या हो, जो इंडक्टर होगा, हाँ कि ना, जो इंडक्टर होता था बच्चों, हाँ कि ना, इसी का कोई रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग यहां पे लगा देते हैं, हाँ कि ना, समझ में आया, किससे, ट्यूब से, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये है एल, ये है आर, आर क्या, इसी का रेजिस्टेंस, इसीलिए हम लोग इसे कह देते हैं एल आर सर्किट, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना,
यूज तो हम लोग इंडक्टर का ही करेंगे, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, हम लोग एलआर सर्किट का यूज करेंगे, समझ में आया, जिसको हम लोग प्योर इंडक्टर, इसकी जगह हम लोग प्योर इंडक्टर रख सकते हैं, समझ में, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो पावर क्या होगी, बहुत कम, हाँ कि ना, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है, हाँ कि ना, समझ में आया, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो, देखिए समझ में, समझिए समझिए बात को, हमें ऐसा कॉइल यूज करना है जिसमें क्या हो, पोटेंशियल क्या हो, लो हो, समझ में आए, कम हो पोटेंशियल जिसपे ये काम करे, समझ में आ रहा, बेकार ना हो, और रेजिस्टेंस हमें लो चाहिए। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एलआर सर्किट। अब देखिए कैसे, ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये ट्यूब ली बच्चा मैंने, यहां पे इंडक्टर यूज किया, इस इंडक्टर का मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस यहां पे, क्योंकि कॉइल घूम रही है ना, इसी का इंडक्टेंस मान लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं, हाँ कि ना, तो ये जो ये यहां होगा ये क्या करेगा बच्चा, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि जो इंपीडेंस होता है वो क्या होगा, अंडर रूट, हाँ कि ना, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल लो चाहिए, हाँ कि ना, हाँ कि ना, और पावर भी क्या चाहिए, पावर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, पावर वेस्ट ना हो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होता होना चाहिए, लगभग लगभग खत्म हो जाना चाहिए, हाँ कि ना। तो अगर हम लोग कहें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, हाँ कि ना, समझ रहे हैं, हाँ कि ना, बताइए समझ रहे हैं कि नहीं, तो पूरा कार्यभार किस पे आ गया, एल पे आ गया, हाँ कि ना, और जेड की वैल्यू भी हमें ज्यादा चाहिए, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहां पे आप समझिए, एलआर सर्किट में हम लोग को क्या चाहिए, हमें जेड की वैल्यू ज्यादा चाहिए, हाँ कि ना, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल लो होगा, हाँ कि ना, और पावर वेस्ट ज्यादा नहीं होगी। तो देखिए हमने यहां पे लिखा है, वी यूज सच चोक कॉइल, हम लोग ऐसा चोक कॉइल यूज करते हैं विच कैन रिड्यूस हाई पोटेंशियल, जो कि हाई पोटेंशियल को क्या कर, रिड्यूस कर दे, एंड इट कैन बी डन ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ जेड, जब जेड की वैल्यू क्या हो, हाई हो, एंड एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो, मतलब जेड की वैल्यू हाई हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल हो, इससे क्या होगा, अब देखिए, हाँ कि ना, पावर फैक्टर जो होना चाहिए, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई और आर बाई जेड, हाँ कि ना, समझ में आया। अब देखिए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, हाँ कि ना, और टोटल रेजिस्टेंस ये जो यहां पे जेड है, समझ रहे हैं कि नहीं, जेड है यहां पे, अगर मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है, हाँ कि ना, आर की वैल्यू बहुत कम है, बोला ही मैंने, तो इसका मतलब ये टेंड्स टू जीरो नहीं कर जाएगा, हाँ कि ना, टेंड्स टू जीरो नहीं कर जाएगा, कैसे करेगा ये भी समझा देते हैं। देखिए कुछ ग्राफ हम लोगों ने ये कुछ पढ़ा था, हाँ कि ना, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर फेजर डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे ऐसे बन रहा था, हाँ कि ना, तो अगर हम यहां से कॉस फाई की वैल्यू निकाले तो आर बाई जेड आएगा, हाँ कि ना, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ कि ना। हमें सिर्फ एक कंडीशन आप याद रखिएगा चोक कॉइल के लिए, वो क्या, हमें जेड की वैल्यू ज्यादा चाहिए और आर की वैल्यू कम चाहिए, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पर आर बाई जेड अंडर द रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना, हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू बहुत कम चाहिए, हाँ कि ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, इसके नीचे, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये स्क्वायर में है तो पूरा स्क्वायर नीचे ले लेंगे तो यहां बचेगा वन, हाँ कि ना, तो ये क्या होगा, एक्सएल का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे हमारा जो आर है बहुत कम होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत 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 कम होगा, किसके कंपैरिजन में, एक्सएल के कंपैरिजन में बहुत 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 कम होगा, तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी को टेंड कर जाएगी, क्या कर जाएगी, इंफिनिटी को टेंड कर जाएगी, और आर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी ही हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं जीरो हो जाएगा, किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दे तो वो टेंड्स टू जीरो हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा क्या कि कॉस फाई टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब वेरी 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 स्मॉल हो जाएगा। तो कंडीशन यहां पे क्या होगी चोक कॉइल की बच्चा, याद रखिएगा चोक कॉइल किस लिए यूज किया जाता है, पोटेंशियल को लो करने के लिए, हाँ कि ना, और पावर क्या हो, पावर कम हो जाए, ठीक है, पावर यूज ना, मतलब पावर वेस्ट ना हो जाता, ठीक है, इसीलिए यूज किया जाता है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्योर इंडक्टर का, या फिर आप कर सकते हैं क्या, एल आर सर्किट का यूज होता है, जिसमें दो कंडीशन सिर्फ मेन होती है, क्या, या जेड बड़ा होना चाहिए, हाँ कि ना, और आर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पर देखिए, हाँ यही चीज मैंने लिखा है, विच विल रिड्यूस द पोटेंशियल, कौन पोटेंशियल रिड्यूस करेगा, जब हम लोग एलआर सर्किट यूज करेंगे तो क्या होगा, जो कि रिड्यूस कर देगा पोटेंशियल को, हाँ कि ना, एंड टू मच पावर विल नॉट बी वेस्टेड, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब एलआर सर्किट और इंडक्टर का यूज करेंगे, समझ में आया कि नहीं,
इसे नोट करिए बच्चा।